ऑटो शो बाय द कार मॉल। मैं हूं शालिनी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं फोर्ड की इको स्पोर्ट टाइटेनियम 2017 मॉडल। सो हमेशा की तरीके से मैं कार के फ्रंट लुक से ही स्टार्ट करूंगी। सो कार का जो फ्रंट लुक है आप देख रहे हैं, कार की जो कंडीशन है दिखने में काफी साफ सुथरी है, कहीं से भी कोई स्क्रैच नहीं है। कंडीशन वाइज गाड़ी काफी ही सुंदर है, जो की सिल्वर कलर में है। एंड इसी के नीचे आप देख रहे हैं, इसमें आपको मिलता है फोर्ड का एक लोगो। एंड इसमें आप देख रहे हैं, इसी के नीचे काफी अच्छा क्रोम यूज हुआ है। साइड में आपको मिलती है हेलोजन लाइट्स। एंड एसी के नीचे आप देख रहे हैं, आपको फॉग लैंप मिलता है सिल्वर एंड क्रोम की फिनिशिंग के साथ। सो मैं आपको बता दूं, ये कार है, ये मिनी एसयूवी कार होती है, जो मार्केट में काफ़ी ही अच्छी सेलिंग कार होती है, काफ़ी अच्छा इसमें एवरेज निकालती है। तो अब हम बात करेंगे कार की साइड कंडीशन के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, कार की जो साइड कंडीशन है वो दिखने में काफ़ी ही अच्छी है, काफ़ी ही साफ सुथरे, कहीं से भी स्क्रैच वगैरह नहीं है। एंड इसी के साथ आपको इसमें मिलते हैं ORBM, बॉडी कलर के ही इसमें आपको ORBM मिलते हैं एंड टर्न इंडिकेटर के साथ। एंड इसी में आपको मिलती है ब्लैक कलर की काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, जो मतलब टू कलर्स का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है दो कलर का, वो दिखने में काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी एक्सलेंट लुक दे रहा है। एंड इसी में अगर मैं बात करती हूँ कार के टायर की, तो इसमें आपको मिलते हैं 17 इंच के टायर मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो कार चली वो 96,000 चली हुई है। अब मैं बात करूंगी कार की बैक कंडीशन के बारे में। सो अब हम स्टार्ट करेंगे कार के साइड से। तो आप देख रहे हैं कार के ऊपर ही आपको मिलती है ब्लैक पियानो की फिनिशिंग, जो कार को दिखने में काफ़ी सुंदर, काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। एंड इसी के बाद हम नीचे देख रहे हैं, इसमें आपको मिलती है रियर लाइट्स। एंड इसकी जो लाइट की जो कंडीशन है वो दिखने में काफ़ी अच्छी है, कहीं से भी टूटी फूटी या क्रैक नहीं है। इसी के नीचे आपको मिलता है टाइटेनियम का लोगो। एंड कार का जो बूट स्पेस है वो है 346 लीटर का बूट स्पेस है। एंड इसी के साथ आपको मिलती है कार में एक स्टेपनी। एंड इसी में आपको मिलता है डिफॉगर एंड रियर वाइपर। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि इस कार में आपको मिलता है रियर कैमरा, जो कैमरा एकदम नीचे की साइड होगा, जो कार के पीछे का लुक आपको शो करेगा। एंड अब हम बात करेंगे कार के फ्यूल टैंक के बारे में। सो मैं आपको कार का फ्यूल टैंक, सो इस कार का जो फ्यूल टैंक है वो है 52 लीटर का। एंड ये ऑन रोड जो एवरेज निकालती है वो 18 का निकालती है ऑन रोड। सो गाइज अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी की कंडीशंस में आपको बता देती हूँ, कंडीशन वाइज गाड़ी अंदर से भी काफ़ी अच्छी कंडीशंस में है। एंड इसी में आप देख रहे हैं, इसमें आपको मिलता है ब्लैक कलर का डैशबोर्ड, जो दिखने में काफ़ी ही अच्छा है, कहीं से भी कट्स वगैरह नहीं है। एंड हम जो इसमें देख रहे हैं सीट की कंडीशन, सो कंडीशन में आपको क्या बताऊँ, दिखने में से ही काफ़ी अच्छी साफ़ सुथरी लग रही है, कहीं से भी धागे वगैरह नहीं निकले हुए, कहीं से भी कट या कटी फिटी भी नहीं है। सो कंडीशन वाइज भी कार की गाड़ी की जो सीट्स है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। एंड इसी के साथ आप देख रहे हैं आगे बैठने में भी काफ़ी अच्छा कम्फर्ट जोन आ रहा है गाड़ी के, जो अंदर से भी कहीं से गंदगी नहीं है, अंदर से भी कार काफ़ी ही अच्छी साफ़ सुथरी है। स्टेयरिंग से करेंगे तो स्टेयरिंग है काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, मुझे मतलब मैं अगर स्टेयरिंग पकड़ी हूँ तो मुझे भी काफ़ी अच्छा, इसलिए काफ़ी अच्छा कंफर्ट जोन आ रहा है। एंड इसी के बीच में आप देख रहे हैं फोर्ड का प्यारा सा एक लोगो दिया हुआ है। एंड इसी में आप देख रहे हैं आपको साइड से दी हुई है सिल्वर की फिनिशिंग। इसी में आपको स्टेयरिंग पे मिलते हैं म्यूजिक कंट्रोल्स बटन एंड सेट मिल जाता है आपको ऑन ऑफ करने के लिए। एंड इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं, अगर मैं फ्रंट पे आती हूँ तो आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ म्यूजिक सिस्टम्स के काफ़ी अच्छे बटन्स मिलते हैं, नीचे एसी कंट्रोल्स मिलता है, ऊपर स्क्रीन मिल रही है आपको। एंड साथ में हम देख रहे हैं इसमें काफ़ी अच्छा पियानो एंड सिल्वर दोनों फिनिशिंग अच्छी यूज़ करी है। अगर मैं इसी के नीचे देख रही हूँ तो आपको काफ़ी अच्छा पियानो की फिनिशिंग दी हुई है। साइड में मिलते हैं आपको कप होल्डर्स। सो मैं आ गई हूँ गाड़ी के पीछे, तो मैं जो पीछे से भी कंडीशन देख पा रही हूँ, सीरियसली गाइस कंडीशन वाइज तो गाड़ी नो डाउट बहुत ही एक्सीलेंट है और बहुत ही कम्फर्ट जोन के साथ है। तो मैं देख पा रही हूँ बैठने में काफ़ी अच्छा मुझे स्पेस मिला है, कहीं से भी मैं पैर वगैरह मेरे नहीं टकरा रहे, कहीं से भी मुझे अनकम्फर्टेबल फील तो एटलीस्ट नहीं हो रहा है। गाड़ी की सीट्स भी देख रही हूँ तो नो डाउट मुझे एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत ही नहीं लग रही, क्योंकि कंडीशन वाइज नो डाउट, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि गाड़ी कंडीशन वाइज बहुत ही अच्छी है, पर्सनली एक विजिट कर सकते हैं। तो कंडीशन वाइज बैक से भी कार बहुत अच्छी है। तो अब तक मैंने आपको गाड़ी के फीचर्स वगैरह सब डिस्कस कर लिए, अब रह गई है कार के प्राइस की बारी, तो अब हम करेंगे कार का प्राइस डिस्कस। सो गाइज अब तक हमने बात की थी कार के कंडीशन के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, अब हम बात करेंगे कार के प्राइस के बारे में। सो इको स्पोर्ट टाइटेनियम कार का जो प्राइस है वो है 6,35,000, यानी कि 6,35,000। सो गाइज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, छोटा सा बेल आइकन दबाइए, ताकि हर वीक हम आपको दिखा सके अच्छी कार्स एंड अच्छी वीडियोस का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।